हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस वाई अकेडमी इस वीडियो में हम बात करेंगे द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यूएसएसआर और यूएसए दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं अब आप देखोगे कि इन इनके अंडर और भी कंट्रीज़ आ जाएंगे कहने का मतलब ये है कि काफ़ी कंट्रीज़ यू का साथ देंगी काफ़ी कंट्रीज़ यू का साथ देंगी और आपको दिखिएगा कि पूरा विश्व दो पार्ट्स में ऑलमोस्ट डिवाइड हो गया है द टू सुपर पावर्स वर्किंग ऑन एक्सपेंडिंग देयर स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तो अपना इन्फ्लुएंस उनको बढ़ाना था हम आगे देखेंगे कि उनको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने से क्या बेनिफिट मिलता था राइट right? तो यू अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था यू अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था एक चीज़ ये बिल्कुल क्लियर है वॉर बिल्कुल नहीं लड़ेंगे लेकिन आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है तो जो जो कंट्रीज़ जुड़ते जा रहे हैं इसका मतलब वो उनकी आइडियोलॉजी से अलाइंग है फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर नाटो मेम्बर्स देखो नाटो अभी क्या है अभी देखेंगे तो फ्रांस जो है नाटो में जुड़ गया है नाटो मतलब यू के साथ ठीक है नॉर्थ एटलान्टिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन तो फ्रांस जुड़ गया इसका मतलब फ्रांस इज अलाइंड विद आइडियोलॉजी ऑफ यू ठीक है जो यू कहता है ऑलमोस्ट इन नाइनटी परसेंट ऑफ द मैटर्स और ये जो लाल रंग के कंट्रीज हैं ये जो हैं ये सब कम्युनिस्ट या आप कह सकते हो कि ये सब फॉलो करते हैं स्ट्रेटजी जो यूएसएसआर बोलता है ठीक है और ये ग्रीन में जो दरखा है युगोसलाविया राइट right? आज मैम चेक करोगे तो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा यूगोस्लाविया जो है वो कम्युनिस्ट नेशन है बट वो वॉशो पैक्ट में नहीं है इसलिए वो लाल नहीं है लाल ठीक है कम्युनिस्ट का झंडा भी लाल होता है है ना रेड आर्मी भी वर्ड यूज़ किया जाता था बाकी देखो ये जो येल्लो येल्लो है ये सब आपको दिखेगा कि भैया ये नाटो के मेम्बर्स हैं और स्पेशली यूरोप जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था ईस्ट और वेस्ट आप देखोगे ईस्ट का जो था वो रशिया के साथ वेस्ट का वेस्ट जो है वो यू एस या नाटो के साथ आप साथ साथ ये भी नोटिस करना काफ़ी कंट्रीज जो थे उनका कोई व्यू नहीं था जैसे स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया आयरलैंड है ना द, uh, ये स्वीडन फिनलैंड इनका कोई व्यू नहीं था ये न्यूट्रल थे uh, बड़ा इंटरेस्टिंग बात रहेगा कि स्विट्जरलैंड ने ना वर्ल्ड वॉर वन लड़ी ना वर्ल्ड वॉर टू लड़ी जबकि इसके चारों तरफ लड़ाई होती रही ठीक है इन अ वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बाई द टू अलायंस सिस्टम्स आई स्टेट वॉज सपोज टू रिमेन टाइट टू इट्स प्रोटेक्टिव सुपर पावर टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर सुपर पावर एंड इट्स अलाइज आप देखिए छोटी मोटी जो पावर्स हैं स्पेन फ्रांस वेस्ट जर्मनी ये क्यों ना यू के साथ जुड़ रही हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं देखिए इनको सबसे पहले तो अपनी प्रोटेक्शन रखनी है यू का साथ दोगे तो आपके जो आसपास के कंट्री हैं फॉर एग्जांपल पोलैंड जो है वो जर्मनी वेस्ट जर्मनी पे अटैक नहीं करेगा तो इनको काइंड ऑफ एक प्रोटेक्शन मिल रही है ठीक है यू प्रोटेक्शन मिल रही है तो यू के पास न्यूक्लियर पम्प है ऐसे यू के पास न्यूक्लियर पम्प है तो रोमानिया जो कंट्री है उसको प्रोटेक्शन मिल रही है अपने नेबर से ठीक है तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये जो टू अलाइंसिस था स्टेट वाज सपोज टू रिमेन टाइट टू इट्स प्रोटेक्टिव सुपर पावर इसका मतलब ये है कि जो सुपर पावर बोलेगा सुपर पावर का मतलब क्या है यू या यू जो सुपर पावर बोलेगा ये स्टेट्स भी वही करेंगे और ये इन्फ्लुंस भी इससे एक और फ़ायदा रहेगा कि यू जैसे कंट्री से फ्रांस ब्रिटेन बचे रहेंगे इनकी हालत बहुत नाजुक थी इस टाइम में ठीक है और बाकी छोटे मोटे कंट्रीज़ इटली विटली इनका तो छोटा मोटा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ देखो क्योंकि इनकी हालत बड़ी नाजुक हो गई थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद द स्मॉलर स्टेट्स इन दी अलायसेज यूज द लिंक टू द सुपर पावर्स फॉर देयर ओन पर्पजेस तो स्मॉलर स्टेट्स ने अलायंस बना के अपना अप, अपना पर्पज सॉल्व करा एक तो उनको दो दोस्तों दे गॉट द प्रोम ऑफ प्रोटेक्शन कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगी अगर कोई अटैक करेगा तो यू एस ए हमारा साथ दे देगा यू एस एस आर हमारा साथ देगा डिपेंडिंग ऑन हम किस किसके साथ हैं हमें वेपन्स भी मिलेंगे फ्री के है ना इकोनॉमिक एड भी मिलेगी फ्रॉम देयर लोकल राइवल्स पैसा मिलना बड़ा ज़रूरी है वरना तो वर्ल्ड वॉर टू में तबाही हो चुकी है पैसा बहुत है यू एस एस आर और यू एस ए के पास लोन मिलेंगे बड़े बड़े सस्ते सस्ते रेट पर मोस्टली रीजनल लेबर्स विद होम दे हैड राइवलरीज तो जैसे यहाँ पे आप अगर देखो चेको इस लो अगर वेस्ट जर्मनी से कुछ भिड़ंत हो गई और नेबर्स में भिड़ंत रहती है ऐसा नहीं है इंडिया पाकिस्तान में ही है और जगह पर रहती है नेबर्स में है ना हम आपके भी पड़ोसियों से आपकी थोड़ी सी आ, कभी कभी कहाँ सुनी हो जाती होगी बहुत ही कम होता है जहाँ पड़ोसियों से अच्छी बनती है है ना तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है तो पड़ोसियों से बचने के लिए अलायसेस हेल्प करते हैं कि हमें सुपर पावर बचा लेगा द अलायंस सिस्टम्स लेड बाय द टू सुपर पावर्स देअर फॉर थ्रेटर टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इंटू टू कैंप्स तो इससे थ्री टंट थोड़ा सा ये पंगा हो रहा है कि हाँ आप कोई कंट्री हो तो आपसे पूछा जा रहा है क्या तू स्कैम कैम में या स्कैम में है है ना जैसे पहले काफ़ी बार पूछा जाता था कि भाई तू सलमान का फ़ैन है या शाहरुख का फ़ैन है यार ये तो ज़बरदस्ती है मैं तो किसी तीसरे का भी फैन हो सकता हूँ है ना तब भी मेरे से पूछा जा रहा है भाई तू शाहरुख का या सलमान का ऑप्शन ही नहीं दे रखे तो ऐसे ही ऐसे ही ये हो गया था कि थ्री टन जब वर्ल्ड देश तो दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो दो सेक्शंस बनते जा रहे हैं और कुछ छोटी मोटी भी वॉर हुई तो एक दूसरे से, से भिड़ पड़ेंगे तो ये थ्रेटन दुनिया के लिए खतरा था ये और इससे एक और चीज़ है छोटे छोटे नेशंस की ऑटोनॉमी जा रही है ठीक है भाई वेस्ट जर्मनी को ज़बरदस्ती सारी पॉलिसी से एग्री करना पड़ेगा जो यू बोलेगा ऐसे टर्की को सारी पॉलिसी से एग्री करना पड़ेगा जो यू बोलेगा क्यों क्योंकि वो नाटो का मेम्बर है उनकी इंडिपेंडेंस चली जा रही है काइंड kind ऑफ of, है ना सिर्फ ये पॉलिटिकल एंटिटी है सॉवेरिटी पे अटैक है ठीक है ये बातों को याद रखना यही डिसीजन आगे नेहरू लेंगे नेहरू की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताना आजकल ज़रूरी है आजकल लोग बड़ा नेगेटिवली ले लेते हैं उन्हें और काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी भी की जा रही है तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि नेहरू जैसे लीडर ने क्या किया था इस टाइम में दिस डिवीजन हैपन फर्स्ट इन यूरोप ये आपको याद रखना होगा सबसे पहले यूरोप में हुआ मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप एडेड विद द यू एस एंड दोज ऑफ ईस्टर्न यूरोप जॉइन दोवियत कैंप तो ये ईस्ट साइड है दोस्तों सोवियत के साथ वेस्ट साइड है ये किसके साथ यू एस ए के साथ याद रखो दोस्तों मैप जल्दी बना के आना एग्जाम में ठीक है अगर एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए मैप बनाओ यू पी एस सी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये ट्रू है, है। यू पी पी सी एस या और कोई स्टेट पी सी एस दे रो तो भी ट्रूथ है ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स भी ट्राई करें मैप बनाने का मार्क्स अगर ज़्यादा चाहिए तो वह ना तो एवरेज आउट हो जाएंगे ना मार्क्स मैप बनाओगे आपका आंसर भी रीट नहीं करने वाला एग्जामिनर ठीक है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो दैट इज़ वाई दे वर ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस वेस्टर्न अलायंस मतलब नाटो ये जो पीले रंग के हैं वेस्टर्न अलायंस ईस्टर्न अलायंस मतलब ये जो है वार्शो पैक्ट के है ना वॉर्शो कहाँ पर है पोलैंड में है ठीक है पोलैंड में है वॉर्शो तो वार्शो पैक्ट हुआ था जहाँ पे सब ये कंट्रीज एक साथ हो गए थे तो सब ये कंट्रीज कौन से जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं ठीक है, है? यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपको आंसर करने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई थ्री कंट्रीज फ्रॉम ईच ऑफ द राइवल ब्लॉक्स तो तीन कंट्री निकालो फ्रॉम ईच ऑफ द राइवल ब्लॉक्स लुक एट द मैप ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन चैप्टर फोर एंड आइडेंटिफाई फोर कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ द वर्शोप एक्ट एंड नाउ बिलोंग टू यू तो दोस्तों पहले ऐसे चार कंट्रीज जो पहले तो वारशोप एक्ट में थे लेकिन अब ई में आ गए बड़ा तगड़ा बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है सेकेंड वाला बाई कंपेयरिंग दिस मैप विद दैट ऑफ यूरोपियन यूनियन मैप आईडेंटीफाई थ्री न्यू कंट्रीज दैट कम इन दी पोस्ट कोल्ड वार एरा तो ये कुछ कुछ आप कंट्रीज आप देखोगे ना यहाँ पे जैसे युगोसलाविया आपको कुछ कुछ कंट्रीज आप मिलेंगे ही नहीं ठीक है तो ये भी चीज़ हुई है और अपने आंसर दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखना इन द फॉलोइंग कॉलम राइट नेम ऑफ द कंट्रीज विच बिलोंग टू कैपिटलिस्ट ब्लॉक कम्युनिस्ट ब्लॉक और नॉन अलाइनमेंट ठीक है इसको फुलफिल करना बड़ा ज़रूरी है ये देखो दोस्तों दुनिया ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है दोस्तों ये येल्लो नाटो लाल कम्युनिस्ट ग्रीन ये थर्ड वर्ल्ड है ये पुअर ये बोलते थे ये पुअर कंट्री गरीब कंट्री है इनकी इनका कोई वैल्यू नहीं है ऐसा बोला करते थे वो ठीक है ये किसी के साथ भी हो किसी के साथ ना हो और ये काइंड kind ऑफ of दोस्तों थोड़ा सा ट्रुथ भी था अनफॉर्चुनेटली ठीक है क्योंकि इनको ये सब नए कंट्रीज़ बने थे इनको एस्टैब्लिश होना था तो इनके वर्ड्स की कोई वैल्यू भी नहीं थी तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये सब ग्रीन कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड करा कि हम अपना नॉन अलाइंग मूवमेंट बनाएंगे ठीक है तो इसको साउथ साउथ कॉपरेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये इक्वेडर के नीचे है जनरली जनरली है ना ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्शन है और भी काफ़ी कंट्रीज एक्सेप्शन है साउथ साउथ कॉपरेशन भी बोलते हैं इस वर्ड को और ये गरीब कंट्रीज भी बोला जाता है पुअर नेशन थर्ड वर्ल्ड भी बोला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड कैपिटलिज्म एक्चुअली इन वर्ल्ड ना इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ ने इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड इसको और थर्ड वर्ल्ड इनको फर्स्ट वर्ल्ड अपने आपको बोल रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना सेकंड वर्ल्ड बोल रहे हैं चलो ये ईस्टर्न जो है थोड़े तो बेटर हैं थर्ड वर्ल्ड तो बिल्कुल ही पुअर है घटिया जगह मतलब उन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट दिए थे गुड थिंग इज ये चीज़ें अब चेंज हो रही हैं बाकी कंट्रीज़ यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड से निकल के आ रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं वेस्टर्न अलाइंसेज वर फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन नाटो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ या एटलांटिकटलांटिक ऑशियन है इसकी वजह से नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज यूक्रेन का युद्ध हो रहा है नाटो जो है अब चेक करोगे तो थोड़ा आगे वो और बढ़ गया है <laughs> इसी से खतरा है इसी से रशिया का खतरा है तो विच केम इन टू एक्जिस्टेंस इन अप्रैल नाइनटीन फोटी नाइन इस स्टेट को आप याद रखेंगे

ये सुपर पावर की सुपर पावर्स जो थी उनकी रिक्वायरमेंट्स और छोटे छोटे स्टेट्स भी अपना ज़्यादा दिमाग चला रहे थे एज नोटेड अबव यूरोप बिकेम द मेन एरना ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन दी सुपर पावर्स तो ये सुपर पावर्स जो थे दोस्तों अपना कम्पीट जो था ये यूरोप में करते थे कि ये कंट्री मेरा ये कंट्री मेरा जर्मनी को तो दो, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वेस्ट और ईस्ट जर्मनी है ना ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन का और वेस्ट जर्मनी यू का है ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मतलब वैसे तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है परंत पर चलती पर चलती ही नहीं कंट्रीज़ की थी ठीक है इवन जर्मनी बर्लिन को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में है ना चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था फिर दो पार्ट्स ही रह गए तो ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ये हाल था कैपिटल जर्मनी की किसी को ना पता हो तो बर्लिन एज नोटेड अबव यूरोप बिकेम थी मेन एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट इन सम एरियाज़ द सुपर पावर्स यूज देयर मिलेट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज़ इन टू देयर रिस्पेक्टिव अलायंस तो लोग काफ़ी बार तो दोस्तों यू एस ए के डर से कंट्री अलायंस ज्वाइन कर लेते थे ठीक है कि यू एस ए को ज्वाइन कर लो पता चले वो बम गिरा देते हैं ठीक है आज भी ये डर है आज भी ये डर है है ना यू एस एस आर का साथ दे दो रशिया का साथ दे दो ना बम गिरा देगा तो काफ़ी कंट्रीज़ तो डर के मारे ही आ जाते हैं तो मिलिट्री पावर इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं ठीक है हार्ड पावर दिखाना हार्ड पावर ठीक है ना अपना एक शिप भेज देता है यू एस ए बड़ा था उस शिप देख के ही घबरा जाते थे कंट्रीज़ आज भी ये फॉलो की जाती है पॉलिसी सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप प्रोवाइड्स एन एग्जांपल तो सोवियत ने काफ़ी ऐसा डरा डरा के कंट्रीज़ को अपने अंदर लिया था सोवियत यूनियन यूज इट्स इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप बैक्ड बाय द वेरी लार्ज प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्मीज इन द कंट्रीज ऑफ द रीजन टू एंश्योर दैट ईस्टर्न हाफ ऑफ द यूरोप रिमेन विद इन इट्स स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस तो सोवियत ने बहुत शरारत करी थी उसकी आर्मी एक तो बहुत बड़ी थी वहाँ पे लोग कुछ काम वाम करते नहीं थे आर्मी ही थी सबकी है ना तगड़ी आर्मी बहुत ही भर भर के बम और उन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ को अपने कब्जे में ले लिया इन ईस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया इन वेस्ट एशिया इन ईस्ट ईस्ट एशिया ईस्ट एशिया आप समझते हो ये वाले जो रीजन है म्यांमार uh, वगैरह जो उसके ऊपर वाले जो रीजन हो गए जापान साउथ कोरिया है ना uh, तो इन ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया मतलब ये फ़िलिपइंस इंडोनेशिया मलेशिया की कंट्रीज़ वेस्ट एशिया ये मिडल ईस्ट आ जाता है जहाँ पे अरब के कंट्रीज आ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बिल्ट एन अलायंस कॉल्ड साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई यू ने एशिया में कि एशिया के कंट्रीज़ को मैं अपने पार्ट में लूँगा ठीक है चारों तरफ से सोवियत यूनियन को घेर लूँगा सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग क्लोज रिलेशंस विद कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम नॉर्थ कोरिया इराक ये कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ रहे ठीक है ऐसे क्यूबा भी तो एशिया में ये सरार चल रही है क्यूबा और नॉर्थ अमेरिका में कोल्ड वॉर ट्राइड टू डिवाइड वर्ल्ड इनटू टू एलांसेस अगेन वही बात अंडर Under... की वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है अंडर दीस सब्कास्टेंसेस मेनी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आफ्टर गेनिंग देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल पावर्स सच एज ब्रिटेन एंड फ्रांस वर वरीड दैट दे वुड लूज देयर फ्रीडम एस सून एज दे गेन्ड फॉर्मल इंडिपेंडेंस तो घबराहट थी श्रीलंका इंडिया अफ्रीका के कंट्रीज़ में यार हम आज़ाद तो हो रहे हैं आज़ादी के नेक्स्ट डे ही हमसे पूछा जा रहा है क्या भाई तू नाटो का मेंबर बनेगा या वारशो पैक्ट में ज्वाइन करेगा क्या तू यूएसए के साथ है या यू के साथ है भाई अभी तो इंडिपेंडेंस मिली कुछ मुझे अपने डिसीजन तो लेने दो तो उनमें ये बहुत बड़ा डर था ठीक है क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द अलाइंस वर्क क्विक टू अपीयर पर थोड़ा बात ये हुआ कि अलायंसेस में क्रैक आने लग गए नाटो में भी हुए लेकिन नाटो को ना अमेरिका ने काफ़ी अच्छा जोड़ के रखा वॉशॉप एक्ट में काफ़ी क्रैक्स आएंगे जैसे चाइना और यू एक दूसरे से भिड़ पड़े तो चाइना और यू की दोस्ती ज़्यादा दिन अच्छी नहीं रही हाँ अब रिश्ते थोड़े चाइना और रशिया के ठीक है लेकिन उस टाइम में थोड़ी सी हो गए चाइ कम्युनिस्ट चाइना चाइना जबकि कम्युनिस्ट कंट्री है दोस्तों ठीक है चाइना भी कम्युनिस्ट रशिया भी यू एस भी कम्युनिस्ट परंतु फिर भी लड़ाई हो गई तो कम्युनिस्ट चाइनाल्ड विद यू एस एस आर टूवर्ड्स अट नाइन एंड नाइनटीन सिक्सटी नाइन फॉट अ ब्रीफ वार ओवर अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो चाइना बड़ा शरारती था अपने सारे नेबर से ही लड़ता रहता है इंक्लूडिंग इंडिया द अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज नॉन अलाइंग मूवमेंट ये स्टार्ट किया इसके फाउंडर मेंबर था इंडिया नेहरू ने इसमें काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव लिया पांच कंट्रीज़ ने इनिशिएटिव लिया था वो पांच कंट्रीज़ कौन है नॉन अलाइनमेंट नॉन अलाइन मूवमेंट के वो पांच इनिशियल कंट्रीज़ कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है बताइए प्लीज़ बेलग्रेड में स्टार्ट हुआ था बेलग्रेड यूगोस्लाविया में पिच गिव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ आई स्टे अ वे ऑफ स्टेंग आउट ऑफ द लाइन नॉन अलाइंग मूवमेंट का मतलब है कि मैं अपने डिसीजनस उस इवेंट के बेस पे लूंगा मैं किसी का भी साथ दे सकता हूँ किसी का भी साथ ना दू मेरी अपनी चॉइस है ठीक है एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यू मे आस्क द सुपर पावर्स नीडेड एनी एलाइज एट ऑल आप बोलोगे यूएसए इतना बड़ा कंट्री इतने सारे मि मिसाइल इतने सारे न्यूक्लियर पावर इनको जरूरत ही क्या है किसी पार्टनर्स की पूरी दुनिया को खा जाए तो तो समझते हैं उनको क्यों जरूरत सिमिलरली यू एस को पार्टनर्स की क्यों जरूरत है आफ्टर ऑल विद न्यूक्लियर वेपन एंड रेगुलर आर्मीज दे वर सो पावरफुल that the combined power of most of the smaller states in Asia and Africa and even in Europe was of no match to that of superpowers. तो so, आखिर ये सुपर पावर्स को छोटे छोटे कंट्रीज के साथ चाहिए क्यों था क्यों ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे देखते हैं इसका आंसर और ये अपने नोट्स में अच्छे से लिखना क्योंकि हर कोई इसका आंसर अच्छे से दे नहीं पाता येट द स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुलॉर द सुपर पावर्स इन गेनिंग एक्सेस टू वाइटल रिसोर्सेज सच एज़ ऑयल एंड मिनरल तो ऑयल की कमी यू में बहुत थी ठीक है अब तो शेल ऑयल वगैरह ढूंढ लिया शेल गैस वगैरह पर पहले ऑयल की कमी बहुत थी तो वो नॉर्थ ये अरब कंट्रीज ने मिडल ईस्ट ने खूब ऑयल दिया है यू को ठीक तो है तो वाइटल रिसोर्स मिलते हैं एक तो ये छोटे छोटे कंट्रीज से ठीक है मिनरल्स मिलते हैं ठीक है फिर टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स तो यूएसए ट्रीटीज़ साइन करता है ये ट्रीटीज के बारे में यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं आई होप उन्होंने सुना होगा कोई अगर ट्रीटी उन्हें याद है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करें इंडिया के साथ भी साइन कर रखी है ट्रीटी का मतलब है कि आपकी मैं टेरिटरी यूज़ कर सकता हूँ तो वियतनाम में जब वॉर हुई तो टेरिटरी यू ने यूज़ करी थी अपनी साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस की इंडिया ने देने से मना कर दिया था टेरिटरी ठीक है तो यहाँ पे भी इंडिया काफ़ी ब्रेव दिखा था उस टाइम में बड़ा नाराज़ हुआ था यू एस ए लोकेशन फ्राम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर तो लोकेशन भी मिल जाती है ठीक है लोके सेकेंड और थर्ड पॉइंट थोड़ा रिलेटेड ही हैं मतलब अपनी वो कैमरे वगैरह लगा देते हैं ये वो वहाँ से सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं काफ़ी बार यू है ना है साथ इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मैनी स्मॉलर अलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस तो यूएसए का मिलिट्री एक्सपेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है नाटो में क्या होता है कि यहाँ नाटो ज्वाइन करो आ लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा जैसे सब्सिडी अलायंस आपने हिस्ट्री में पढ़ा था ना काइंड kind ऑफ of, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है ठीक है कि आपको नाटो फोर्सेस तो ज्वाइन करोगे लेकिन पैसा देना पड़ेगा लेकिन नाटो फोर्सेस में अभी भी यू ही सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है आज आज भी यू सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है ये भी आपको याद रखना होगा तो इकोनॉमिक लेकिन थोड़ा सा तो सपोर्ट मिल जाता है देर वर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीज़न्स सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आइडियोलॉजिकल रीज़न्स कि मेरी थ्योरी से तू एग्री करना चाहिए द लोयल्टी ऑफ द अलाय सजेस्टेड दैट द सुपर पावर्स वर विनिंग द वॉर ऑफ़ आइडियाज एज वेल तो हमारे जो आइडियाज़ हैं वो बेस्ट हैं अगर कोई कंट्री नाटो के साथ जुड़ना है तो वो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है कैपिटलिज्म में बिलीव करता है वो कम्युनिस्ट आइडियाज़ में बिलीव नहीं करता है एंड वाइस वर्सा तो इसलिए वो मानते थे कि अगर कोई स्टेट नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं तो यू एन पे हम बात अपनी आगे बढ़ा सकते हैं यू में भी वोटिंग uh, में हेल्प मिल जाती है ना यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में उंगा उंगा यू एन जी एट लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वर बेटर दैन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म और वाइस वर्सा तो अगर कोई कंट्री इनका साथ देता है तो अगर यू का साथ देता है इसका मतलब डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म बेटर है और जो यू यू कह रहा है कि सोशलिज्म कम्युनिज़्म वो सब बेकार है, है ना या और वाइस वर्सा तो ये ये पॉइंट्स हैं और काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा दो पार्ट्स में आपको देखा वर्ल्ड डिवाइड हो गया अब देखेंगे अरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर इन नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू एंड टेक केयर